रेड माइक में आपका स्वागत है। जनता के दिल में क्या है, हम लगातार तमाम मुद्दों पर जनता की क्या राय है वो जानने के लिए हम लोगों के बीच जाते रहते हैं। आप सब टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन पर जबरदस्त चर्चा है, माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ तक कि जजमान तो हैं ही, राम मंदिर की जब उद्घाटन होगा, जब पूजन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें मुख्य जजमान तो हैं। अयोध्या के स्टेशन का भी जो पुनर्निर्माण हुआ है या पुनर्विकास हुआ है, उसके उद्घाटन के लिए भी, वहाँ से भी जो कुछ नई ट्रेनें चल रही हैं, प्रीमियम ट्रेनें, उनकी भी हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे हैं। घर घर अक्षत लेकर के बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जाएंगे। और आपको पता ही है, राम मंदिर ने ही बीजेपी को फर्श से अर्श तक, यानी जमीन से आसमान तक सत्ता पर काबिज करवाया है। क्या 2024 के चुनाव में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी सत्ता में वापस काबिज होगी, लोगों की राय क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, टीवी चैनल्स पर चल रहा है। आपको लगता है इस बार राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिल जाएगा या फिर कुछ तमाम मुद्दों पर हावी होंगे? हम इस चीज में है नहीं। अरे किसी से वोट नहीं देते हैं आप? जरा और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। भैया टीवी देखते हैं? टीवी पर इस समय देख रहे हैं कि राम मंदिर पे खूब चर्चा हो रही है, उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का। आपको लगता है बीजेपी को फायदा होगा राम मंदिर के उद्घाटन का? जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है, लोग दे देंगे राम मंदिर पर वोट? इसीलिए तो वो ये कर रहे हैं कि राम मंदिर बना रहे हैं तो वोट के लिए बना रहे हैं। वोट के लिए बना रहे हैं और क्या? जनता क्या करेगी जब तक ईवीएम मशीन नहीं वो ये करेगा, तब तक यानी कि पता नहीं चलेगा किसका वोट जा रहा है नहीं जा रहा है। आपको लगता है ईवीएम ठीक नहीं है? ईवीएम ठीक नहीं है, वो वोट डाले तो पहले जो डाल रहे थे वो ब्लैट पेपर से, उसी से डालेंगे तब पता चलेंगे क्या है नहीं है। बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेता बोल रहे हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, तमाम कुछ बौद्धिक लोग भी बोल रहे हैं। राम मंदिर के जो उद्घाटन का पूरा माहौल बना हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या कहें, फिर भी बताइए, कुछ तो सोचते होंगे आपने। ईवीएम पर आपकी राय है, यानी आप अपना विचार रखते हैं, तो इस मुद्दे पर क्या विचार है आपके? वो वोट बनाने के लिए बस कर रहे हैं सब चीज, और क्या करें। वोट बनाने के लिए जनता तो दे देती है वोट। जनता तो वो पागल है, जनता इसीलिए वोट देती है वो। क्या नाम है आपका? नहीं बताना चाहते हैं? कोई बात, बता के क्या करेंगे। कहाँ, बिहार से हैं? बिहार से हैं। नए अध्यक्ष बन गए हैं नीतीश कुमार जेडीयू के, वापस ललन सिंह चले गए। हाँ। लग रहा है कि बिहार में कुछ मिलके कर पाएंगे नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस? हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। लगता है इंडिया लाइन अच्छा करेगा बिहार में। हाँ। कि राम मंदिर भारी पड़ जाएगा, अब समय बताएंगे भाई, समय बताएंगे। इन्होंने भाई बड़े जागरूक ऑटो वाले भैया, इन्होंने कहा कि समय बताएगा किस पर क्या भारी पड़ेगा। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक ईवीएम ठीक नहीं, ईवीएम से वोटिंग होगी तब तक कुछ फायदा नहीं है। और ईवीएम पर लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, तो वो नैरेटिव ज़्यादा तो नहीं, कुछ लोगों तक ज़रूर पहुँच रहा है। और ज़रा ऑटो वालों से बात करते हैं, आज ऑटो वालों से बात करने का मन है। राम मंदिर पर माहौल देख रहे हैं, टीवी पर जबरदस्त चल रहा है? जी अभी नहीं देख रहा हूँ सर। नहीं देखे हैं? क्या लगेगा, राम मंदिर का फायदा होगा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल होगा सर। आप दे देंगे वोट राम मंदिर पे? देंगे, बिल्कुल देंगे सर। दे देंगे राम मंदिर पे वोट? जबरदस्त बात है। तो और लोगों से बात करते हैं, और ऑटो वाले भैया से, कैसे हैं सर? ठीक है सर। ठंडी पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है। क्या नाम है आपका? सतेंद्र सिंह। सतेंद्र जी, राम मंदिर पर पूरा माहौल बना हुआ है, टीवी चैनलों पर राम मंदिर का उद्घाटन आप देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको लगता है कि राम मंदिर के नाम पर 2024 में मिल जाएगा बीजेपी को वोट? पूरा बहुमत से आएगी सर। पूरी बहुमत से? जी। क्या लगता है क्यों? 100% क्या लगता है क्यों, ऐसा क्यों मिलेगा वोट उनको? इसलिए मिलेगा कि उनको हर तरफ से विकास हुआ है पूरे देश के अंदर। राम मंदिर मुद्दा हो ना हो, राम मंदिर नहीं बनता तब भी आप बीजेपी को समर्थन करते हैं? जी जी। ऐसे कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ था जो बीजेपी के राज में हो रही है। ऐसा क्या लगता है जो कांग्रेस के राज में नहीं हुआ था बीजेपी के राज में होगा? जैसे 370 कश्मीर से हट गया। हाँ। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से सुलझ गया। देश का विकास है, नई नई सड़कें बन रही है, काफी डेवलप हो रहा है,
आज जीडीपी देखिए देश का कहां से कहां आ गया। आपको पता है कि भारत का कर्ज लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी सर मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को कि बेरोजगारी है। अच्छा, नहीं मानते आप? जी नहीं, बेरोजगारी उन्हीं के लिए है जो काम करना नहीं चाहते हैं। जी, युवाओं को जो नौकरी नहीं मिल रही, वो युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं उनको खुद नौकरी मिले, मोदी जी खुद नौकरी दे रहे हैं। मोदी जी कहाँ पे अलग अलग कैंप लगा के नौकरी मिल रही है सबको। कौन सा कैंप लगा हुआ है मोदी जी के नाम? अभी 2-3 महीने पहले मोदी जी नौकरी दिए, 70,000 नौकरी दिए। 70,000 नौकरियां बिल्कुल दिए। अच्छा, लेकिन आपको लगता है राम मंदिर हो ना हो तब भी आप बीजेपी को वोट, हमेशा बीजेपी को वोट देते आए आप? देखिए, जो विकास करता है उसको मैं वोट देता हूं। आपको लगता है बीजेपी ने विकास किया? जी, तो राम मंदिर का मामला तो है, विकास का भी एक मुद्दा है। क्या नाम है आपका? छोटेलाल। छोटेलाल जी, बढ़िया लग रहे हैं आप। क्या राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में उद्घाटन है, लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पे बीजेपी को वोट मिल जाएगा? क्या कह सकते हैं, तो पब्लिक के हाथ में है। तो आप ही तो पब्लिक हैं। पब्लिक के हाथ में, पब्लिक क्या कहती है क्या नहीं, बताओ छोटेलाल जी यार। छोटेलाल जी को क्या चाहिए, आपको लगता है कि अभी क्या बेहतर होना चाहिए आपकी जिंदगी में? ये अपना तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं भाई, कमा रहे हैं खा रहे, हमारा क्या है? मुफ्त राशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है। मुफ्त राशन नहीं लेते? वो लॉकडाउन में मिला था ना, लॉकडाउन में। अभी भी सरकार जो लोग गांव में गरीब रेखा के नीचे हैं उनको मुफ्त राशन दे रही है महीने में 2 बार। गांव में मिल रहा होगा, हमें इस चीज के नहीं नॉलेज नहीं है। यहां मेहनत करके आप खाते हैं? अपना भाई अपना कमा रहे, अपना खा रहे। राम मंदिर पर आपका क्या सोच है, क्या राय है आपकी? राम मंदिर कैसे जबरदस्त उद्घाटन हो रहा है, ट्रेन चल रही है, हो रहा बढ़िया, अच्छी बात है, उद्घाटन हो रहा, अच्छी बात है। गाना सुना है आपने, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे? राम के नाम पे वोट दे देते हैं बीजेपी को कि नहीं देंगे? क्या आपको दूसरे मुद्दे पे? नहीं नहीं, मुद्दे पे क्यों देंगे, क्यों देंगे जी? भगवान तो भगवान ही, भगवान के लिए कौन भी चटेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर आप दे सकते हैं बीजेपी को वोट, मैं समझना चाह रहा हूँ। जो पब्लिक जो चाहेगी वही होगा, हमारे एक किसी एक। छोटे लाल जी क्या कहते हैं, अब हम क्या करें, हम भी डालेंगे वोट, वोट तो डालना ही पड़ेगा बगैर वोट। क्या मुद्दे, जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? अब जी वोट तो डालना, जीते चाहे कोई भी, अभी वोट तो डालने से मतलब। छोटे लाल जी बताने को तैयार नहीं है, आप समझ लीजिए कि मेरा 12 साल का अनुभव। छोटे लाल जी देखिए, हम पब्लिक जब बोलेगी एक आदमी के बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये राहुल गांधी के जो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, न्याय यात्रा शुरू हो रही, उस पर क्या कहना है आप? तो पढ़े लिखे है नहीं, ठीक है, जब अपना ऑटो चला रहे हैं। राहुल गांधी का नाम सुना है? हाँ सुना है। कांग्रेस के जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। कैसे लगते हैं आप? सही सरकार थी पहले, बढ़िया सरकार थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले ठीक थी सरकार? बहुत बढ़िया। छोटे लाल जी थोड़ा धीरे धीरे बोले, हम कांग्रेस में ही थे पहले। अच्छा, धीरे धीरे देखो छोटे लाल जी ने पूरी कहानी जो है अंत में छोटे लाल जी ने धीरे से सही है इसमें। अच्छा, आप दिन भर सवारियों को लेके जाते हैं छोटे लाल जी, सवारियां क्या बात करती हैं आपस में? जब युवा लड़के जो बैठते हैं आपके ऑटो में, वो क्या रोजगार के मुद्दे में बात करते हैं कभी आपस में? अपना लड़के आजकल लड़के आपको बताइए क्या बात करते हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दिल्ली के हालात अलग हैं, दिल्ली के हालात अलग हैं। देखा छोटे लाल जी को, बढ़िया आराम से पूरा उन्होंने माहौल बनाया, और अभी एक पब्लिक है, पब्लिक जो कहेगी वो होगा, एक पब्लिक के कहने से क्या होता है। तमाम उन्होंने बात इधर उधर करने के बाद धीरे से उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। सोचिए, कांग्रेस का नाम लेने में छोटे लाल जी डर रहे हैं, राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भगवान तो सबके हैं, तो अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उन लोगों से बात करें जो आम है बेहद, और हम जैसे कि बताते हैं जनता के दिल में क्या है उस मुद्दे पर, हम कभी किसी प्रायोजित लोगों के साथ खड़े होकर बात नहीं करते हैं, हमेशा हम आम लोगों के पास ऐसे ही फ्री स्टाइल जाते हैं और उनसे पूछ देते हैं, इन ऑटो वाले भैया का लग रहा है टायर पंक्चर हो गया है, उनके अभी वैसे परेशान होंगे लेकिन फिर भी पूछने की कोशिश करते हैं। भैया वोट डाल लेते हो, वोट डालते हो? टायर पंक्चर हो गया है भैया, उसमें थोड़ा बिजी हैं और पूछना इनसे पूछें।
राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, बहुत तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करेंगे, आज उन्होंने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिल जाएगा? मिलना तो चाहिए। आपका नाम क्या है? तिलकेश्वर। तिलकेश्वर जी, आप क्या सोचते हैं? हम तो अच्छे समझते हैं, राम मंदिर का बहुत बढ़िया। राम मंदिर पर आपको लग रहा है बढ़िया बन दे देंगे वोट राम मंदिर के? देखो सर, हम तो वैसे भी बीजेपी के वोट देते हैं, झूठ क्या बोलते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ सही बात, आगे बात सही है। क्या अच्छा लगता है बीजेपी? सर ऐसा है कि हम शुरू से अच्छा पता है कि यह है कि बहुत बढ़िया मेरे को इसलिए लगता है कि मतलब हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की तो पार्टी है ही। धीरे धीरे क्यों नहीं बोल रहे, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं सर? बढ़िया हमारी कांग्रेस इसकी पार्टी है। देखो सर, कांग्रेस भी है, अब कांग्रेस कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है तो होता ही। कांग्रेस कहाँ जाती है? कांग्रेस ज्यादा कर मोहम्मदन में जाती है। मोहम्मदन मुस्लिमों की पार्टी, मुस्लिमों की पार्टी। बात करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, वो तो भारत के नागरिक है। बिल्कुल है, हम साथ में बैठते हैं, हम साथ में खाना खाते हैं, सब कुछ होती है। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। खुल के नहीं बोल रहे तिलकेश्वर जी? कोई बात नहीं सर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? मैं तो नहीं ये सब करता हूँ। राम मंदिर वोटिंग वोट है? नहीं अभी नहीं है। झूठ बोल रहे हो? झूठ क्या बोलना है। कितने साल के हो गए? उम्र हो गया लेकिन अभी डाला नहीं वोट भाई। इसको डालोगे? हाँ देखते हैं, अगर मिलेगा मौका डालेंगे जरूर। किसको डालोगे? बीजेपी पे जाएगा हमारा वोट, और कहाँ जाएगा। क्या अच्छा लगता है बीजेपी पे? बीजेपी का कानून व्यवस्था अगर सब बढ़िया है, टाइट है, और बाकी कहीं स्मगलिंग वगैरह वगैरह नहीं होता है। कौन सी स्मगलिंग होती थी पहले? अरे क्यों नहीं भाई, कहीं भी मार पीट काट पीट लगा रहता है, कहीं चोरी है तो क्या है। हमारे बंद हो गई सरकार में? हमारे इलाके में तो बंद हो गया भाई। क्या हम आजमगढ़ से हैं? गजब, आजमगढ़िया सबसे बढ़िया। आजमगढ़िया कहते हैं सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, पर आजमगढ़ तो आजमगढ़ है। वहाँ तो सारी विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो है, बट यूनिक तरीके से अभी तो सब बीजेपी ही है। बीजेपी वहां से तो वो है सांसद निरहुआ। अच्छे लगते हैं? हाँ बढ़िया है, जो भी है। बीजेपी को वोट डालोगे? हाँ वो तो जाए। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, राम मंदिर पर क्या कहते हो? देखो हमारा हिंदू धर्म है, वो तो होना चाहिए था, जो हुआ अब अच्छी बात है। क्योंकि हम देखो किसी बिरादर से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इंडियन है। कितना पढ़े हो? इंटर तक पढ़ा। नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिली क्योंकि उंगली कटा था ना इसीलिए। अच्छा, इसलिए नहीं मिली। तो यहाँ पर अपना मेहनत करके कमाते हैं? हाँ अब यही नया धंधा खोला हूँ, देखो अब क्या होता है। मेहनत कर रहे हो? हाँ वो तो भाई जारी है, हर कोई कर रहा है, हम भी है उसी में। हाँ पुलिस वाले परेशान तो नहीं करते? अभी तो दूसरा दिन है आज। दूसरा ही दिन है? पहले दिन आए थे? पहले दिन कल आया था, तभी ना दूसरा दिन हुआ। नहीं नहीं पुलिस वाले आए थे कल? नहीं आए तो नहीं थे, अब देखो। तैयारी बनाए हो? पुलिस वाले आएंगे तो क्या करोगे? आएंगे तो बताएंगे, अभी नया धंधा खोला हूँ, जब चलेगा तो फिर उसके बाद रनिंग में होगा तो ठीक है, नहीं तो बंद करेंगे, चल देंगे घर। और क्या करोगे? ये बढ़िया है, चलेगा चलेगा तो चल देंगे घर। बार वहाँ तो कुछ करना पड़ेगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। देखो जो ऊपर वालों को मंजूर है वो तो होकर ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों का अलग मिजाज है, जो ऊपर वाले को मंजूर है सब वो हो जाएगा। अभी तो शुरू किया है धंधा, आएंगे हटाएंगे चले जाएंगे, लेकिन मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी है। राम मंदिर का फायदा ऐसा लगता है बीजेपी को होगा, उस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2, जिसे भारत न्याय यात्रा भी कहा जा रहा है, वो भी जारी रहेगी। किसका पड़ला होगा भारी, क्योंकि मीडिया न्यूज चैनल पर तो राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भारी पड़ेगा। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था जिस पर बीजेपी ने कहा जाए तो उस मुद्दे को लेकर के वो आए, जनता के बीच गए, जनता को पसंद आई, जनता ने अटल जी की सरकार बनाई, फिर मोदी जी को भी समर्थन दिया और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए रहा। लोगों से बात करने में लगता है कि राम मंदिर पर जाहिर सी बात है हर हिंदू को और मुसलमान भी को इसका विरोध नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन राजनीति से समस्या है, राजनीति से गुरेज है, लेकिन राजनीति तो होगी। राम मंदिर निर्माण बीजेपी के हर मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रहता है और बीजेपी ने वो बनवा दिया है, तो वादा पूरा किया, उस वादे को लेकर बीजेपी वोट मांगेगी। तो देखना होगा कि अब राम मंदिर या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसका पड़ला होगा भारी। सहयोगी शाहीन असकर के साथ
दिल्ली के आश्रम से सौरभ शुक्ला द रेड माइक के लिए।